सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रम्मी नोबल ऐप के बारे में। अगर आप भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और आप भी इस ऐप में बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऐप में बैंक अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपको ऐप को कर लेना है ओपन, ऐप को ओपन करेंगे इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इनमें से जो आपको विड्रॉ के ऑप्शन पर करना है क्लिक करेंगे इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। बैंक के अकाउंट पर, बैंक के ऑप्शन पर करना है क्लिक करेंगे इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे आपको डालना है अपना अकाउंट नंबर, सेकंड पे आपको डालना है बैंक यूज़र नेम, थर्ड पे जो है आपको बैंक नेम सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जो भी आपका बैंक है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में IFC कोड, ईमेल आईडी डालने के बाद में सेव बैंक पर करना है क्लिक, तो मैं कर लेती हूँ। सो गाइज, जैसे ही आप सेव बैंक पर क्लिक करेंगे जो आपका बैंक अकाउंट है वो जाएगा ऐड। इसी तरीके से आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।